देख रहे हैं स्टार इंडिया न्यूज 19 देश की आवाज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बजरंग खरमाटे इनके नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह 2022 का पहला चरण नागपुर ग्रामीण प्रादेशिक परिवहन विभाग की ओर से किया गया। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नागपुर ग्रामीण एवं लॉयंस क्लब नागपुर एवं त्रिपुरे ब्लड बैंक के संयुक्त तत्वाधान में सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत रक्तदान शिविर का आयोजन कर इस रक्तदान शिविर में RTO अधिकारी इन्होंने भी रक्तदान किया और अन्य युवाओं ने भी रक्तदान किया। इस अवसर पर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नागपुर ग्रामीण के RTO शांताराम फासे इन्होंने जनता को संबोधित करते हुए बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी आए दिन एक्सीडेंट देखने और सुनने को मिलती हैं। इन हादसों के बाद भी लोगों में परिवर्तन दिखाई नहीं देता। एक्सीडेंट होने के बाद कुछ लोग जगह पर ही दम तोड़ देते हैं। राज्य सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करना, खुद की जिम्मेदारी क्या है इसे नज़रअंदाज करना, बड़ी लापरवाही की वजह से गाड़ी चलाना, इसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। पासे इन्होंने यह भी कहा कि होने वाले एक्सीडेंट दर को पूरी तरह से खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन एक्सीडेंट ना हो और लोगों की जान भी बचे इसे रोकने के लिए आने वाले दिनों में राज्य शासन द्वारा RTO के तहत अमरावती रोड टोल प्लाजा स्थित सड़क सुरक्षा अभियान के माध्यम से जन जागृति करेंगे ताकि कोई किसी प्रकार का हादसा ना हो। इस सड़क सुरक्षा सप्ताह का पहला चरण और रक्तदान शिविर के अवसर पर नागपुर ग्रामीण RTO अशफाक अहमद सर, RTO स्नेहा मेने और RTO के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। लॉयंस क्लब त्रिपुरे ब्लड बैंक के पदाधिकारी भी इस संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर उपस्थित रहे। तो देखिए यह खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता नितिन बागड़े नागपुर से। आज नागपुर ग्रामीण RTO एक रास्ता सुरक्षा अभियान के तहत लॉयंस क्लब एवं त्रिपुटे के तहत ये ब्लड बैंक का प्रोग्राम अरेंज किया है। इस बीच हमारे साथ नागपुर ग्रामीण के RTO शांताराम फासे साहब आज हमारे साथ स्टार इंडिया न्यूज 19 से रास्ता सुरक्षा अभियान के तहत क्या क्या खामियां कमियां है और रास्ता सुरक्षा के बारे में हम उनसे जानेंगे। हम उनसे रूबरू इस रास्ता सुरक्षा अभियान के तहत उनसे चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र परिवहन विभाग आणि आमचे वरिष्ठ ट्रान्सपोर्ट कमिशनर साहेब यांच्या आदेशानुसार तसेच या कार्यालयाचे मुख्य RTO श्री बजरंग खरमाटे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली रस्ता सुरक्षा अभियान 2022 या पहिल्या पर्वात आज हा पहिला कार्यक्रम रक्तदान शिबिराचा हा घेण्यात आला। महाराष्ट्र परिवहन विभागाचा दरवर्षी रस्ता सुरक्षेचा हा कार्यक्रम आहे हा घेतला जात असतो आणि या वर्षी हा कार्यक्रम हा वर्षभर साजरा करण्यात येईल। अजून अभियानाची तारीख वगैरे निश्चित झालेली नाही आहे, परंतु मागच्या वर्षीही नागपूर कार्यालयाने वर्षभर हे कार्यक्रम राबवले आहे। शाळा कॉलेजमध्ये जाऊन आता कोरोनाचा कालावधी असल्यामुळे काही काही शाळांमध्ये जाता आले नाही, परंतु आपण लॉ कॉलेजमध्ये वगैरे अशा ठिकाणी आपण कार्यक्रम घेतले, लोकांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न केला, आपण रस्त्यावर सभा घेतल्या, आपल्या कार्यालयाचे दोन चित्ररथ आणि व्हिडिओ चित्रफीत ही आपण पूर्ण जिल्ह्यामध्ये फिरवली, लोकांमध्ये जनजागृती केली। पण खेदानी असं म्हणावं लागतं की हे सगळं केल्यानंतर सुद्धा आजही आपण अपघाताची जर संख्या पाहिली तर ती काही कमी होता दिसेना। म्हणजे लोकांमध्ये जो याचा अभाव आहे, म्हणजे बेजबाबदारपणाची जी भावना आहे ती जास्तीची आहे आणि सामंजस्याचा जो प्रमाण आहे ते कमी आहे। ज्या ठिकाणी गाडी ओव्हरटेक करायची नाही आहे अशा ठिकाणी सुद्धा गाडी ओव्हरटेक करून अपघाताला लोक बळी पडतात। रात्रीच्या वेळी अति वेगाने गाडी चालवतात, एखादा पशु आडवा आला तर तो ती जी व्यक्ती आहे ती अपघातग्रस्त होते आणि डोक्याला मार लागला तर त्याचा त्या ठिकाणी प्राण जातो। 2 दिवसापूर्वी अशीच घटना बुलढाणा आणि अकोला जिल्ह्याच्या बॉर्डरवर पंचगव्हाण म्हणून ठिकाण आहे त्या ठिकाणी बंदी आहे। बंदी म्हणजे असे गर्द झाडं असतात
असे काटेरी येडी बाबू म्हणतात त्याला, अशा येडे बाबूचं ते वन आहे। त्या वनातून एक हरिण धावत रस्त्यावर आलं आणि तिकडे येताना एक मोटरसायकल स्वार हा त्याच्या मोटरसायकलने जात होता। तर ही घटना साधारण जेमतेम 8:30 दरम्यान झाली। तर ती जी हरिण आहे त्या हरिणला ते समोर जेव्हा काहीतरी लाईट दिसला तर तिने जी उडी मारली, तर ती उडी मारली तर ती एक त्यांच्या छातीवर एक पाय होता आणि दुसरा पाय जो होता तो स्पोकमध्ये गेला, त्यामुळे ती पण इंजर्ड झाली आणि ती जी व्यक्ती आहे ती डोक्यावर खाली पडली। तिथे लोक जमा झाले तर लोकांनी ते जसे फोटो काढून ते व्हायरल केले, परंतु त्यातल्या कोणत्याही व्यक्तीने त्या व्यक्तीला उचलून दवाखान्यात नेलं नाही किंवा त्याला प्रथमोपचार मिळेल असं काही केलं नाही, त्यामुळे त्या व्यक्तीचा म्हणजे तिथेच प्राण गेला। म्हणजे ती जी व्हिडिओ आहे जी समाज माध्यमामध्ये ते जे व्हिडिओ फिरला तो एक चुकीचा संदेश देऊन गेला किंवा त्या लोकांनी त्याचे व्हिडिओ बनवून व्हायरल केले, पण त्याऐवजी जर त्यांनी त्याला उचलून जर हॉस्पिटलमध्ये नेलं असतं तर कदाचित त्यांचा प्राण वाचला असता। तर ह्या ज्या घटना आहे अशा कमी झाल्या पाहिजे आणि अपघातामध्ये जे लोक सापडतात त्यांना प्रथमोपचार मिळाला पाहिजे, त्यांना त्याची सेवा मिळाली पाहिजे आणि समाजाने पण त्यांना चांगल्या दृष्टीने पाहिलं पाहिजे असा एक संदेश या माध्यमातून आपण देऊ शकतो। मैं केतन बारसागड़े RTO में असिस्टेंट इंस्पेक्टर हूँ और ये मेरा ब्लड डोनेशन का 20वीं बार मैंने ब्लड डोनेट किया है और आपकी ये जो छोटी सी एक्शन है ये काफ़ी लोगों की जान बचा सकती है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप ब्लड डोनेट करते जाइए। जब पीक कोरोना काल था और लॉकडाउन था, कोई घर से नहीं निकल रहा था, ऐसे टाइम में भी डोनर्स ने हॉस्पिटल्स में जाके और ब्लड बैंक में जाकर प्लाज्मा भी डोनेट किया है, ब्लड भी डोनेट किया है। तो ये मतलब तजुर्बा थोड़ा सा कड़वा जरूर है पर उतनी सच्चाई नहीं है। हर पेशेंट को ब्लड मिल जाता है और डोनर ब्लड देने आते हैं और बिल्कुल एक काल के ऊपर में मालूम चले जो सही डोनर है वो अपने सारे कार्य छोड़ के पहले ब्लड डोनेट करने जाता है। और मैं जनता से आह्वान करना चाहता हूँ इस माध्यम से कि अगर स्टार इंडिया न्यूज़ वाले ये बात कह रहे हैं तो मेरी आवाज़ जो सुने, मेरा उनसे निवेदन है कभी भी आपको अगर किसी ब्लड बैंक से या हॉस्पिटल से फ़ोन आए तो आप तुरंत ब्लड डोनेट करने जाएं। ये कहते हैं ब्लड दान जो है ये महादान है, ज़रूर करिए। जिस तरीके से हमने जाना है, हम सवाल पूछे हैं बलवीर सिंह वीर जी से, तो इन्होंने कहा जब भी हमारे पास फोन आता है या फिर मदद के लिए हमारे बीच कोई आता है तो हम उनको ब्लड डोनेट की व्यवस्था कराएंगे। तो ये था आज भव्य रक्तदान शिविर ग्रामीण RTO। वीडियो जर्नलिस्ट मुकुंद चौरसे के साथ स्टार इंडिया न्यूज 19 नागपुर। ऐसी ताजा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज 19 देश की आवाज़ और हमारे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।